जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। तो जामिया एएमयू छात्रों के साथ हिंसा के मामले की सुनवाई होगी आज। वकील इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। तो इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताते हुए नाराजगी जाहिर करी थी। तो जामिया हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी होने का मतलब ये नहीं कि आपको उपद्रव करने का अधिकार है। सुनवाई तभी होगी जब पूरा मामला शांत होगा, व्यवस्था बनाएंगे। और आज कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए आज का वक्त यहां पर दिया था, और आज जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो जामिया एएमयू के छात्रों के साथ हिंसा के मामले को लेकर यह सुनवाई, क्योंकि लगातार जो आरोप थे वो दिल्ली पुलिस पर इन छात्रों की तरफ से, प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे थे। एहतियात के तौर पर जो हॉस्टल थे उनको भी खाली कराया गया। ये उस दौरान की तस्वीर जब काफी उपद्रव जो है वो इन प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से मचाया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस पर भी ये आरोप लगाए गए थे इन छात्रों की तरफ से कि कहीं ना कहीं बस जलाने का और कॉलेज में घुसकर, जामिया कॉलेज में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ मचाने का आरोप दिल्ली पुलिस पर इन छात्रों की तरफ से लगाया गया था। और स्थिति को देखते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, और अब आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो वकील इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों को फटकार भी लगा चुका है।